यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 27 मई 2020 को एक स्टेटमेंट इशू की जिस पे उन्होंने इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें मेडिएशन की ऑफर की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया, वी हैव इन्फॉर्म्ड बोथ इंडिया एंड चाइना दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी विलिंग एंड एबल टू मेडिएट और आर्बिट्रेट देयर नाउ रेजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप की इस ऑफर को डिप्लोमेटिकली और पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। ये पहली बार है कि जब यूएस प्रेसिडेंट या यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके अंदर मेडिएशन की ऑफर दी, और ये जो इस टाइम पे ऑफर दी इससे एक डायरेक्ट सिग्नल गया चाइना को। उन्होंने एक डायरेक्ट सिग्नल भेजा अमेरिका ने चाइना को कि वी आर वॉचिंग यू। मैं फिर से कहूंगा कि दैट वी आर वॉचिंग यू। और आपको पता है आज की डेट में अमेरिका चाइना से कितना नाराज है, और दूसरी तरफ आप चाइना बड़ा घबरा गया। घबराया तो पहले भी हुआ था लेकिन उसके साथ ये घबरा गया, उसको ये समझ आ गया है कि मेरे को अब यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। चाइना पहले से डिस्टर्ब्ड है क्योंकि यूएस के जो नेवल शिप्स हैं वो साउथ चाइना सी में पहुंचे हुए हैं, यूएस की सबमरीन साउथ चाइना सी में पहुंची हुई है, यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचा हुआ है, साथ साथ यूएस ने अपने B-1 बॉम्बर्स वहां डिप्लॉय कर दिए हैं क्योंकि चाइना अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा था, चाहे वियतनाम हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, जिससे चाइनीज नेवी की वहां पे प्रेजेंस है और चाइना को रोकने के लिए, क्योंकि वो ताइवान को भी धमकी दे रहा है किसी न किसी तरीके से कि उसको टेक ओवर करने की उसकी कोशिश है। दूसरी तरफ जहां पर भी चाइनीज आर्मी ने बिल्डअप किया है इंडिया उसको इफेक्टिवली काउंटर कर रहा है। अगर उन्होंने अपने टेंट लगाए चाइनीज ने तो इंडियन आर्मी ने भी अपने टेंट लगा दिए और वहां पे पूरी रीइन्फोर्समेंट्स और सप्लाईज भेजी जा रही हैं, और साथ साथ इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है, लेह लद्दाख की नहीं कर रहा, पूरे अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना के साथ हमारा 457 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडियन आर्मी वहां पे पूरी तैयारी कर रही है, इंडियन एयरफोर्स वहां पूरी तैयारी कर रही है, और साथ साथ इंडियन आर्मी ने या एयरफोर्स ने वहां पे चिनुक हेलीकॉप्टर्स जो इंडिया ने रिसेंटली अमेरिका से परचेज किए हैं, 15 हेलीकॉप्टर्स परचेज किए हैं, और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी कैपेसिटी ये है कि ये बड़े हैवी ड्यूटी सामान को जो उठा सकते हैं, तोपों को उठा के ले जा सकते हैं, बख्तरपन गाड़ियों को उठा के ले जा सकते हैं, और जहां पे भी रिमोट एरियाज है वहां पे उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, और ये जो है बड़े इफेक्टिवली इनको चीजों को उठा करके हिली एरियाज में लगा सकते हैं। और इंडिया ने अपने चिनुक हेलीकॉप्टर्स जो है वो चाइना के बॉर्डर की तरफ लगा दिए हैं और उस ताकि वहां पे सामान उनसे भेजा जाए, जहां जहां भी जरूरत है इंडियन आर्मी वहां पर पहुंचा रही है। पहले जो चीजें थी MI-17 हेलीकॉप्टर से की जाती थी जो रशियन से इंडिया ने लिए हुए हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जो है ये हैवी गन्स को नहीं उठा सकते थे, लेकिन जो चिनुक हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और ये उसके लिए बड़े इफेक्टिव हैं। स्पेशली इन्हीं पर्पस के लिए इनको लाया गया था और इनको इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लॉय करने में कोई देरी नहीं की, कोई इन्होंने इसके बारे में दोबारा सोचा नहीं। दूसरी तरफ एक मोहनबाड़ी एयरपोर्ट है डिब्रूगढ़ में, जहां से अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूरी सप्लाई लाई जाती है क्योंकि वहां पे रोड्स नहीं है। अगर हम रोड्स का नेटवर्क भी बनाएंगे तो 20 साल तक हम रोड का नेटवर्क नहीं बना पाएंगे वहां पे हरेक जगह में पहुंचने के लिए, क्योंकि हिली एरियाज हैं, साथ में वहां पे मडी हिल्स हैं, तो वहां पे रोड्स नहीं है काफी हद तक। और लेकिन हमने जो वहां से पहले से मोहनबारी से सारा सामान जाया करता था, आजकल ये मोहनबारी का जो एयरपोर्ट है बड़ा एक्टिव हुआ पड़ा है, यहां से रेगुलर सप्लाई जा रही है, हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं या हमारे जहां ट्रुप्स बैठे हैं उनको वहां से सप्लाई भेजी जा रही है प्लेन्स के थ्रू और बाई डिफरेंट पॉसिबल जहां भी पॉसिबल है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंडिया ने लेह लद्दाख के ऊपर रीजन में 3 ALGs बनाए हैं। ALGs मतलब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, वो बने हुए हैं दुलता बेग ओलीडी जिसको बोलते हैं DBO, फुकचे और नेओमा, जहां पे इंडिया के C-130 जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं वो भी लैंड कर सकते हैं। साथ में जो इंडिया ने C-17 ग्लोब मास्टर्स जो अमेरिका से रिसेंटली खरीदे हैं वो भी वहां पे लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं, और साथ साथ इंडिया के जो फाइटर प्लेन्स भी वहां टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, साथ इंडिया ने वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी है। दूसरी तरफ इंडिया ने अरुणाचल बॉर्डर में भी 8 ALGs खोले हुए हैं, मतलब वही 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, क्योंकि वहां पे पहले रोड का कोई कनेक्शन नहीं था, एयर ड्रॉप से सामान भेजा जाता था या हेलीकॉप्टर से भेजा जाता था, लेकिन वही ALGs वो उसी टाइप के हैं जहां पे आपके ट्रांसपोर्ट प्लेन्स लैंड कर सकते हैं और साथ में आपके जो फाइटर प्लेन्स लैंड कर सकते हैं और साथ में वहां पे दूसरी भी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। तो ये जो 8 ALGs हैं ये हैं 0, पासीघाट, मेचुका, वालोंग, आलोंग, टूटिंग, तवांग और विजयनगर। इनमें से जो विजयनगर है
इंडिया चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पे है, लोकेशन पे है। साथ साथ में ये एरिया स्ट्रेटेजिक होने की वजह से इंडियन ने पहले ही वहां पे जो रिटायर्ड हमारे साम राइफल्स के लोग होते थे उनकी फैमिलीज को वहां बसाया रिमोट एरियाज में, क्योंकि रोड कनेक्टेड भी नहीं था, ताकि वहां पे अगर कोई ऐसी दिक्कत अगर फ्यूचर में हो तो वो वहां पे एक स्ट्रेटेजिकली वहां पे काम कर सके, क्योंकि पुराने फोर्स के आदमी है तो वहां पे वो रह भी रहे हैं। और अभी तो ये भी हो गया कि विजयनगर को बाई रोड भी कनेक्ट कर दिया गया ताकि वहां सप्लाई लाइन जा सके। हमारी जो बॉर्डर पे आर्मी बैठी होती है उसको दो चीजों की जरूरत है, उसको एक सप्लाई लाइन पहुंचते रहे और साथ में जब उसके पास जड़ सोल्जर्स हो तो उनको उठाया जा सके, इससे हमारी जो आर्मी उनका मॉरल बड़ा अप रहता है, वो यही चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो आर्मी है जो अपोजिट साइड पे चाइना, वो इन चीजों से बड़े घबराते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें कि इंडियन नेवी भी एक्शन में है। इंडियन नेवी में अपना जो बिल्डअप है वो अंडमान निकोबार आइलैंड पे काफी तक मजबूत करना शुरू करती है। मैंने पहले भी कहा था कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ये इनकी जो लोकेशन है ये है माउथ पे मलक्का स्ट्रेट की। मलक्का स्ट्रेट एक वो जगह है जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। जो भी चाइनीज शिप्स आएंगे वो मलक्का स्ट्रेट से निकल के आएंगे इंडियन ओशन की तरफ या इंडिया की तरफ। और इससे जो है ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये 3.5 किलोमीटर चौड़ी है और इसके माउथ पे बैठता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, जिससे इंडिया चाइनीज शिप्स पे पूरी वॉच रख सकता है और चाइनीज की उनके मूवमेंट पे वॉच रख सकता है उनकी नेवी के ऊपर। और इसी रूट से जितने भी चाइनीज के ट्रेड के जो शिप्स हैं वो यहां से पास कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी की जो यहां पे एक इन्होंने ट्राई सर्विस का एक स्टेशन खोला हुआ है, हेडक्वार्टर खोला हुआ है, ये पहली ट्राई सर्विस है जहां पे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों बैठे हैं। और इंडिया ने इसको स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया कि मतलब इंडिया ये नहीं चाहता कि किसी तरीके से भी इंडिया अनअवेयर पकड़ा जाए। अगर आज हमारे बॉर्डर पे कुछ डेवलपमेंट होती है तो इंडिया बिल्कुल एकदम आकर के चाइना को वहां से ब्लॉक कर देगा, चाइनीज शिप्स को इंडियन ओशन में या वहां से साउथ चाइना सी से बाहर निकलने नहीं देगा। ये इंडिया के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ मैंने जैसे भी कहा कि जो अमेरिकन वारशिप्स हैं वो पहले ही खड़े हैं आपके साउथ चाइना सी के अंदर, तो चाइना की सिचुएशन बड़ी प्रिक्योरियस होती जा रही है। ये भी कहा गया कि चाइनीज आर्मी जो है बड़ी प्रिपरेशंस कर रही है, फलाना कर रहा है, लेकिन चाइनीज आर्मी एक डेकोरेटिव आर्मी है। हमारी आर्मी जो है वो पूरा टाइम पूरे साल हमारे कश्मीर में और पहले जो है नॉर्थ ईस्ट में भी एक्टिव मोड में रहा करती थी। अब की नॉर्थ ईस्ट में तो पीस हो गई है जिसकी वजह से हमारी आर्मी वहां से एक्टिव मोड से हट गई है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान एक उल्टा प्रोपोगंडा कर रहा है कि जो चाइनीज फोर्सेज हैं वो इंडिया के 20 किलोमीटर अंदर पहुंच गई हैं। चाइनीज तो उधर ये कह रहे हैं कि इंडियन फोर्सेज हैं हमारे एरिया के अंदर 19 किलोमीटर ऊपर अंदर चली गई हैं। और कुछ हमारे जो कम्युनिस्ट हैं वो बड़े घबराए हुए हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम पे चाइना का स्टैंड ऑफ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जितना चाइना लेट करेगा उतना चाइना फंसेगा, क्योंकि चाइना इंडिया के खिलाफ वॉर करने की पोजीशन में नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया पूरा तैयार है, कोई ये 1962 की पोजीशन नहीं है कि वॉर होने के बाद हमारे सोल्जर्स मूव करने शुरू किए और सोल्जर्स भी वहां मूव करने शुरू किए जिनको उनकी लोकेशन का नहीं पता था, उनके पास सिचुएशन के हिसाब से वहां कपड़े नहीं थे, वहां जूते नहीं थे, या उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन तो थे ही नहीं, बाकी ना हमारे टैंक्स वगैरह ऐसी कोई बात नहीं थी, ना हमको एयर सपोर्ट थी। और एक और मैं बात कहूंगा कि माना कि चाइनीज आर्मी हमसे स्ट्रांग है, 24 लाख के करीब है चाइनीज आर्मी कहा जाता है, हमारी आर्मी 13.5 लाख है, लेकिन साथ साथ एक बताऊंगा कि हमारी आर्मी उनको टोटल मैच करती है। नंबर्स पे इतना डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमारी आर्मी के साथ वहां पे बीएसएफ है, बीएसएफ के साथ वहां पे सीआरपीएफ है जो हमेशा बॉर्डर में एक्टिव रहते हैं और लड़ाई के मोड में रहते हैं। साथ में हमारे पास असम राइफल्स हैं, साथ में हमारे पास आईटीबीपी है, और साथ साथ हमारे पास दूसरी फोर्सेस हैं जैसे टू कमांडोस हैं। तो ये सारा मिलाकर हम चाइना के साथ पूरा मैच करते हैं। जब भी हमारी फोर्सेस आगे लड़ती हैं तो उनकी सप्लाई लाइन बनती है, उनको देखने के लिए भी जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हैं उसमें काम करती हैं, जिसके साथ वजह से हमारी आर्मी को बड़ी हेल्प मिलती है। और तीसरी बात एक और कहूंगा कि सी में भी हम चाइना को पूरा मैच करते हैं। कुछ लोग हमें बड़ा बात करते हैं कि चाइना ने हमको सी में घेरा हुआ है, मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा। एक चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स जरूर बनाया था इंडिया को घेरने के लिए, सी के महाभारत के अंदर बनाया, चक्रव्यूह बनाया था, लेकिन जो हमारे अर्जुन हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस चक्रव्यूह को ध्वस्त कर चुके हैं।